ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कहलाता है एंड ऑब्सली यू मस्ट रिमेंबर दिस इट इज़ अ लिवर विच इज़ कॉल्ड एज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी ये लिवर हमारा टी शेप स्ट्रक्चर है ठीक है जो डायफ्राम के जस्ट नीचे है डायफ्राम के बारे में भी आपको अगर ध्यान में हो मैं एक बार फिर से बता दूं कि डायफ्राम हमारी बॉडी का वो पार्ट हो गया जिसके ऊपर लंग्स जो है वो इस तरह से रेस्ट करता है और डायफ्राम के ऊपर के पार्ट को हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं और डायफ्राम के नीचे के पार्ट को एबडामिनल कैविटी कहते हैं चूंकि इसी एबडामिन के पार्ट्स में सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज वार द स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रिया जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है और इसी स्ट्रक्चर में आप लीवर के अंदर आप देख सकते हैं बहुत इजीली दिस इज वार द डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसमें ये लेफ्ट लोब है ये राइट right लोब है लीवर के दो कंपोनेंट हो गए लेफ्ट एंड राइट लोब और दिस इज द गॉल ब्लैडर दैट स्टोर्स बाइल जूस जिसमें हमारा बाइल सॉल्ट होता है कार्बोनेट एंड बाई एन इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विच वी से डैट कि बड़े जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं ओके तो दिस इज वर्थ द लीवर और लीवर का जो डक्ट है जिसमें जिसके थ्रू जो बाइल जूस है वो स्मॉल इन टेस्टाइन में पॉर आउट होता है उसको हम लोग बाइल डक्ट कहते हैं ठीक है